हाथी के कुचलने से वायनाड के व्यक्ति के मरने के मामले में कर्नाटक सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। दरअसल जो व्यक्ति मारा गया वो केरल के वायनाड का था, जबकि मुआवजा कर्नाटक सरकार दे रही है। इसी पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी विधायक वीवाई वीरेंद्र ने 20 फरवरी को कहा कि ये सब केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। कर्नाटक सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी के कहने पर सिद्धरमैया सरकार ने 15 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हम सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, मामले में उनका कहना था कर्नाटक सरकार भयंकर सूखा पड़ने पर किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देती है, जैसे उन्हें भीख दे रही हो। बीजेपी के अलावा जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि उसने वायनाड में मारे गए व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए, जबकि कर्नाटक में हाथियों के हमले से मारे गए लोगों को केवल 5 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में हाथियों की वजह से मारे गए लोगों के परिवारों को आसानी से पैसा नहीं मिलता, सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल 30 नवंबर 2023 को कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर तालुका में बिना दांत वाला हाथी पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे बांदीपुर वन ले जाया गया। 2 महीने ये हाथी पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड जिले में भटकता हुआ देखा गया। 10 फरवरी 2024 को वायनाड जिले में हाथी के कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाथी कर्नाटक से निकला था, तो इस आधार पर मृतक के परिजनों को कर्नाटक से भी मुआवजा देने की मांग की गई, जिसके बाद कर्नाटक के वन मंत्री ने 18 फरवरी को सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात की और चर्चा के बाद इस मुआवजे का ऐलान किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।